ए कर रहा है स्टूल, फिर एक चेयर और एक टेबल। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, मटेरियल फॉर ईच दिया है, वेजेस दिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स देखो अब ना सबका कॉस्ट पर यूनिट दिया है, सॉरी यूनिट्स टोटल एक, ये कितना हो रहा है 6,000, ये 3,000 और ये 600। तो देखो इसका कितना आउटपुट है 6,000, इसका आउटपुट हो गया 3,000 और इसका आउटपुट हो गया 600। तो दो कॉलम बनेंगे, कॉस्ट पर यूनिट का भी बनेगा सबका सिंगल सिंगल, है ना। ये देखो नेक्स्ट देखो, आपको प्रत्येक प्रकार के फर्नीचर का कारखाना व्यय ज्ञात करना है, मतलब ये देखो ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है अपने को 60,000, ठीक। तो ये टोटल दिया है हमको, तीनों का अलग अलग निकालना है, स्टूल चेयर और टेबल का। कारखाना परिव्यय ज्ञात करें, यदि कारखाना उपरिव्यय वितरण करने के उद्देश्य से जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब या फिर जब वो एलोकेट हो रहा है, तो एक टेबल चार स्टूल के बराबर, देखो वन टेबल इज इक्वल टू फोर स्टूल्स एंड टू चेयर्स आर इक्विवेलेंट टू वन टेबल, और टू चेयर्स किसके इक्विवेलेंट है, वन टेबल। यहां तक कोई डाउट समझने में? बताओ क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है यहां तक? अब देखो ये जो वर्किंग नोट लिखा है, पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो बोल रहा है एक टेबल चार स्टूल के बराबर है, ठीक है। तो देखो तो अपने पास टोटल टेबल्स कितनी है 600, ये देखो। तो 600 टेबल कितने स्टूल के बराबर होगी, 4/1 इंटू 600 करो तो हो जाएगा 2,400 स्टूल्स। देखो क्या करना है अपने को, सबको एक ही में कन्वर्ट करना है, मैं सबको स्टूल्स में कन्वर्ट करते जा रही हूं, ठीक है, चलेगा ना। तभी तो अपन रेशियो निकालेंगे। फिर से किसी को समझना है तो फिर से पूछ लो, कहीं कंफ्यूजन है किसी को तो। मैम एक बार और बताओ ना, मुझे समझ नहीं आया। हाँ ध्यान से समझना। आप देखो 600 टेबल स्टूल है, 6,000, चेयर कितने हैं अपने पास 3,000 और टेबल कितने हैं अपने पास 600। अब देखो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है अपने पास 60,000 का, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो देखो ये स्टूल में ये चेयर है ये टेबल है, तो हम इनका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं तो हम इनका रेशियो निकाल देंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको इसको रेशियो देना पड़ेगा, और रेशियो देने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये सेम होना चाहिए, या तो सब स्टूल में रहे या तो सब चेयर में या तो सब टेबल में, ठीक। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है देखो टेबल चार स्टूल के बराबर है, मतलब एक टेबल चार स्टूल के बराबर है, फिर और दो कुर्सियां एक टेबल, यहाँ देखो लिखा है दो कुर्सियां एक टेबल के बराबर है। तो ये हमको इसलिए दिया है ताकि हम इसका रेशियो निकाल सकें, ये देखो दो कुर्सियां एक टेबल के बराबर, तो टू चेयर्स किसके इक्विवेलेंट है एक टेबल के। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या होगा हम इन सबको कन्वर्ट कर पाएंगे, तो वो हमारे ऊपर है कि हम सबको स्टूल में कन्वर्ट करें कि सबको चेयर में करें या फिर हम सबको टेबल में कन्वर्ट करें। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे, तो मैं स्टूल्स में कन्वर्ट कर रही थी, अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करती हूँ तो देखो कैसे होगा। ये लिखा है ना फोर स्टूल इज इक्वल टू वन टेबल, देखो फोर स्टूल इज इक्वल टू वन टेबल, ठीक। तो मेरे पास कितने स्टूल्स हैं टोटल 6,000 है, तो 6,000 स्टूल कितने टेबल के बराबर होंगे, वन ये इससे डिवाइड होगा, 1/4 इंटू
6,000, ये आ गया 1,500 टेबल के। आया समझ में अब? यस मैम। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या दिया था, देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में, दो कुर्सियां एक टेबल, तो टू चेयर्स इज इक्विवेलेंट टू वन टेबल। तो अपने पास देखो चेयर्स कितनी है, 3,000, तो 3,000 चेयर्स कितने की इक्विवेलेंट होंगी, तो 1/2 इंटू 3,000, तो ये भी हुआ 1,500 टेबल। अब देखो अपने पास सारा डेटा टेबल में है, ये चेयर्स भी हमको मिल गई टेबल में, स्टूल भी मिल गई हमको टेबल में, और टेबल वाला तो ऑलरेडी इसमें है। तो देखो, तो स्टूल 1,500 टेबल के बराबर है, फिर क्या है चेयर, चेयर कितने के बराबर है, वो भी 1,500 टेबल के, और टेबल वो तो ऑलरेडी 600 में है। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा रेशियो, देखो चलो रेशियो निकालो, अगर 0,0,0 हटा दिए तो 15:15:6 हो गया, तो 3 5s are 3 5s are 3 2s are, तो 5:5:2, ये आ गया रेशियो। यहां तक नोट करो जल्दी से, फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आ रहे समझ में कैसे प्रूफ फॉर्मा बनाए सब कुछ? देखो अब मटेरियल लिखा है, तो लिखना मटेरियल फॉर ईच दिया है, कितने का, देखो 3.6, फिर 6 और 44.0, तो चलो 6,000 इंटू 3.6 करो, जल्दी से करो मैम। 21,600 यहाँ पे पर यूनिट लिखते जाना, 3.6 यहाँ पे दिया है, 6 और यहाँ पे दिया है 44, सेम 3,000 इंटू 6 करेंगे 18,000, नेक्स्ट देखो, ये देखो 44 दिया है ना, अब 44 इंटू 600 करो, 26,400। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये हो गया मटेरियल, मटेरियल के बाद क्या लेते हैं अपन, वेजेस ऐड करते हैं उसमें, डायरेक्ट वेजेस, देखो कितना दिया है 4.8, तो 4.8 इंटू 6,000 करेंगे अपन, तो आएगा 28,800। फिर देखो इसका कितना दिया है 4, तो 4 इंटू 3,000 ये हो गया अपना 12,000। फिर देखो, फिर यहाँ पे कितना दिया है 12 रुपये पर यूनिट, 12, तो 12 इंटू 600 ये हो गया अपना 7,200। यहाँ तक किसी को डाउट है अमाउंट कैलकुलेट करने में तो पूछो जल्दी से। जब मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस ऐड होता है तो वो क्या हो जाती है अपनी, प्राइम कॉस्ट, मतलब मूल लागत। टोटल करो 21,600 प्लस 28,800, 50,400। सेम 18 और 12 ये हो गया अपना 30,000, और 26,400 प्लस 7,200 ये हो गया अपना 33,600। पर यूनिट कॉस्ट भी ऐड करते चलो, 3.6 प्लस 4.8 आएगा अपना 8.4, 6 और 4 ये हो गया अपना 10, और 44 और 12 हो गया अपना 56। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसमें अपन ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, रेशियो निकाले हैं अपन इसका, कितना
5:5:2 टोटल कितना है 60,000 60,000 × 5 डिवाइड बाय 12 ठीक है या फिर डायरेक्ट 60,000 को डिवाइड कर लो 12 से कितना आएगा देखो 5,000 आया तो 5,000 × 5 25,000 फिर सेम यहाँ पर भी 25,000 ही आएगा और सेम यहाँ पर कितना आएगा 10,000 ठीक तो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे देखो 25,000 को डिवाइड करो 6,000 से ये 6,000 यूनिट का था तो 4.16 है तो 4.17 हो गया ये सेम 25,000 को डिवाइड करेंगे अपन 3,000 से ये हो गया अपना 8.3 फिर 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 600 से तो आएगा अपना 16.67 टोटल करो ये आया अपना वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट कारखाना लागत देखो ये अपना मूल लागत आया था प्राइम कॉस्ट है ना ये हो गया कारखाना लागत टोटल करो ये हो गया अपना 75,400 ये हो गया अपना 55,000 और ये हो गया अपना 43,600 ठीक है चलो अब 75,400 को डिवाइड करो 6,000 से क्योंकि 6,000 यूनिट्स हैं इट मींस 12.57 हो गया ये हो गया अपना 10+8.3 करेंगे तो भी 18.3 या फिर डायरेक्ट 55,000 को डिवाइड करो 3,000 से तो भी वही आएगा 18.33 फिर 43,600 को डिवाइड करो 600 से तो आएगा अपना 72.67 ठीक है तो ये हो गया अपना वर्क कॉस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सिर्फ वेराइटीज करवा रही हूँ ना सिलेक्टेड वेराइटी जिससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो ये एक एक वेराइटी थी उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ कैंसर मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ फैंस तो कितने फैंस बना रही है टेबल फैन सीलिंग फैन और रूम कूलर देखो मटेरियल 20 रुपए का है लेबर इतने का है अब देखो फिर से पूरा एक साथ दे दिया है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो सिंगल सिंगल देने की बजाय एक साथ दे दिया ओवरहेड्स ये भी दे दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ना तो इनको हमको फिर से रेशियो में देखो डालना पड़ेगा कुल लागत ज्ञात कीजिए मींस क्या निकालने बोल रहा है टोटल कॉस्ट यदि उपरिव्ययों के विभाजन का आधार इस प्रकार है इफ ओवरहेड्स आर लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिर से देखो ये एक्सपेंसेस को हमको एलोकेट करना है इसमें क्या लिखा है वन सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू टू टेबल फैन फिर से देखो एक सीलिंग फैन किसके बराबर है दो टेबल फैन के नेक्स्ट एंड वन रूम कूलर अब एक रूम कूलर किसके इक्विवेलेंट है 5 टेबल फैंस के ठीक है तो हम सब टेबल फैंस में कन्वर्ट करेंगे देखो एक सीलिंग फैन के लिए बोल रहा है ठीक है सीएफ लिख रही हूं एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है तो अपने पास यहां पर देखो कितने सीलिंग फैन है ये देखो एक टेबल फैन है 250 सीलिंग फैन है 125 और रूम कूलर है अपने पास 25 ये देखो तो एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है तो सीलिंग फैन अपने पास 125 है तो कितने हो गए टेबल फैन इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई तो 2/1 × 125 तो चलो 125 × 2 कितना होता है 250 टेबल फैन तो सीलिंग फैन किसके इक्विवेलेंट है टेबल फैन के नेक्स्ट देखो अब एक रूम कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है ना
एक रूम कूलर है वो 5 टेबल फैन के बराबर है, तो रूम कूलर्स कितने अपने पास 25, तो कितना हुआ ये 25 × 5 कितना होता है बताओ? 125. सिंपल. देखो अब सब टेबल फैन में हो गया ना कन्वर्ट, तो देखो यहाँ पे टेबल फैंस, यहाँ पे सीलिंग फैंस और यहाँ पे रूम कूलर. तो टेबल फैन कितने अपने पास ऑलरेडी 250, सीलिंग फैन कितने निकले वो भी 250, और रूम कूलर कितना निकला अपना देखो 125, है ना. इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे तो देखो 250 250 125, यानी 2:2:1 का रेशियो आ रहा है. जल्दी से नोट करो ये वाला वर्किंग नोट, पहले ये नोट करना फिर ये वाला. किया नोट जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है कहीं? नो मैम. चलो प्रोफॉर्मा बनाओ फिर से, वही टेबल फैन सीलिंग फैन रूम कूलर इनके 6 और एक पर्टिकुलर का, जल्दी से. मैं क्लियर कर रही हूँ ना स्क्रीन को, क्लियर कर दूँ? यस मैम. यस मैम. ठीक है. यस मैम. जल्दी से बनाओ प्रोफॉर्मा. देखो पर्टिकुलर का बनाना और देखो अमाउंट में कैसे बनाना है, समझ में आ रहा है ना प्रोफॉर्मा बनाना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं प्रोफॉर्मा में? नो मैम. कॉस्ट पर यूनिट का छोटा सा बनाना हमेशा, है ना, अलग से हाईलाइट हो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है उसमें. और टोटल कॉस्ट का थोड़ा सा बड़ा रहने देना. यस मैम. माइक म्यूट कर लो बेटा. देखो पर्टिकुलर ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट. किसी को अगर कहीं पे डाउट हो हिंदी और इंग्लिश को लेकर के ना तो तुरंत पूछ लेना आप लोग कि उसका हिंदी में क्या लिखना है. ये देखो ये रेडी है प्रोफॉर्मा अपना. अब सबसे पहले अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, मटेरियल्स कितना दिया है 20 रुपए, यहाँ पे 25 रुपए और यहाँ पर 125. ठीक है तो जल्दी से बताओ 25 × 20 कितना हो जाएगा 5000. 125 × 25 हो जाएगा अपना 3125 हो गया 3125. सेम 25 125 हो गया 3125. अब इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, वेजेस. लेबर दिया है तो वही वेजेस ऐड किया लेबर. ये हो गया 40 से, ये हो गया 60 से, ये हो गया 120 से हुआ. तो 250 × 40 करेंगे अपन 10,000. फिर 125 × 60 करेंगे अपन 7500. फिर 25 × 120 करेंगे अपन 3000. ठीक. अब जब ये ऐड हो गया इसमें मटेरियल प्लस लेबर तो ये हो गया अपना प्राइम कॉस्ट, ये आ गया अपना 15000, ये आ गया अपना 3125 प्लस करेंगे अपन 7500 तो हो गया 1025. ठीक. और ये हो गया अपना 6125. ठीक. तो पर यूनिट का टोटल करते चलना है ना साथ साथ में, ये हो गया 60. किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक. फिर प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं अपन, फैक्ट्री ओवरहेड्स.
फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो ये रेशियो दे दिया था अपना 2:2:1 तो 30,000 है ना, तो देखो 30,000 है को उसको डिवाइड करो कितना से 5 से करोगे ना, 2:2:1 के रेशियो में देना है, तो 2 to 4 + 1 = 5 ठीक है, तो ये हो गया 6,000, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 12, यहाँ पे भी आ जाएगा अपना 12,000 और यहाँ पर आ जाएगा अपना 6,000। किसी को डाउट है इस अमाउंट कैलकुलेट में, कैलकुलेशन में? नो मैम। ठीक है तो चलो मैम, हाँ 12,000 को डिवाइड करो कितने से करोगे, 250 से, ये हो गया अपना 48 सिम, फिर 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 125 से, ये हो गया अपना 96 और 6,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 25 से, तो ये हो गया अपना 240 ठीक। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट ऐड हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हो गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट या फिर कारखाना लागत। तो ऐड करेंगे अपन तो 15 और 12 ये हो गया अपना 27,000 ठीक, ये हो गया अपना 22,625 और ये हो गया अपना 12,125। यहां तक डाउट है किसी को? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे अपन, तो ऑफिस ओवरहेड कितना दिया है 10,000, फिर से 2:2:1 के रेशियो में जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 4,000 और यहां पे आ जाएगा 2,000, टोटल करेंगे ये हो गया अपना 31,000, 22,625 ये हो गया 26,625 और यहाँ पे आ जाएगा अपना 12,125 प्लस 2,000 करेंगे तो 14,125। इसमें मैं अब ऐड करूँगी ये आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फिनिश्ड गुड्स वगैरह नहीं है ठीक है। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऊपर ही आ गया था, सॉरी ये था ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये टोटल आ गया था। अब इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 15,000 था, 2:2:1 में जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे ये 6,000 और इसमें 3,000, तो देखो आंसर आ गया अपना, टोटल कर दोगे ना तो आंसर आ गया ठीक।